नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने नाउन की जो नेक्स्ट सीरीज है जिसमें हम नाउन के यूज जो है वो पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था ये कहाँ कहाँ यूज होता है और आज हम इसका पहला यूज देखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हमने हेडिंग डाला है यूज ऑफ द नाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, कि नाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, सागर लव्स सोनिया। सागर हमारा सब्जेक्ट हो गया, लव्स हमारा वर्ब हो गया। वर्ब कैसा है? मेन वर्ब, और सोनिया क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो दोनों जगह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन है? नाउन है। और ये सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट किसके बन रहे हैं? इस वर्ब के, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट और इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरी बात, ये जो सब्जेक्ट होते हैं इनको हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। फिर इनको नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है, सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्ट को एक्यूसेटिव केस। ठीक है, अब ये सेंटेंस तो छोटा है लेकिन थोड़ा बड़ा हो तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को पहचानने की शॉर्ट फॉर्म्स क्या होती है, कैसे पहचानते हैं वो देखते हैं। जैसे अगर हमें मान लो ऑब्जेक्ट को पहचानना है, ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे? ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए वर्ब और सब्जेक्ट से हम व्हाट और होम का रिप्लाई लेते हैं। ठीक है, इन दोनों से एक ऑब्जेक्ट को पहचाना जा सकता है। अगर नॉन लिविंग थिंग्स है तो व्हाट रखेंगे और अगर लिविंग थिंग्स है तो होम रख देंगे। कैसे देखते हैं, सागर लव्स होम, लिविंग थिंग्स है सोनिया है, तो सागर लव्स होम, होम मींस किसे, तो सागर लव्स होम, आंसर क्या आ रहा है? सोनिया। ठीक है, एक सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम क्या रखते हैं? Who? ठीक है, तो देखते हैं, Who loves Sonia? सब्जेक्ट की जगह पे क्या रखेंगे? Who को, Who loves Sonia? तो आंसर क्या आएगा? सागर। तो दोबारा देख ले, एक ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब से हम आंसर लेंगे व्हाट और हुम का। अगर नॉन लिविंग थिंग है तो व्हाट और अगर लिविंग थिंग है तो हुम। सागर लव्स होम, सागर किससे प्यार करता, आंसर क्या आता है? सोनिया। ठीक है, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम सब्जेक्ट की जगह पे क्या रखते हैं? हु, और सब्जेक्ट का आंसर आ जाता है हु लव्स सोनिया, हु लव्स सोनिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सागर आ जाएगा। इसका मतलब हमने किसको पहचाना? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को। दूसरी बात, ये वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तीसरी बात, सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस कहा जाता है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूसेटिव केस कहा जाता है। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रोहित इज बीटिंग रानी। रोहित हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा वर्ब हो गया, बीटिंग भी हमारा वर्ब हो गया और रानी का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और बीटिंग हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, अब हम सब्जेक्ट को ढूंढते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ पे है। ठीक है, और सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं? हु को रखते हैं। हु इज बीटिंग रानी, रानी को कौन पीट रहा है? रोहित, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? रोहित हो गया। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, मिल गया हमें। ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए क्या करेंगे? व्हाट और हुम को रखेंगे। रानी इज बीटिंग बाय हुम, यहां पे हुम आएगा तो क्या आएगा? सॉरी, रोहित इज बीटिंग हुम, रोहित किसे पीट रहा है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? रानी। दोबारा देखें, रोहित इज बीटिंग हुम, रोहित किसे पीट रहा है? रानी को। तो इन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट तो ये हो गया और सब्जेक्ट ये हो। ठीक है, सब्जेक्ट को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं, ऑब्जेक्ट को हम एक्यूसेटिव केस कहते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं।
राजू रॉट ए लेटर, राजू रॉट ए लेटर। यहां पे अगर हमें ऑब्जेक्ट को पहचानना है तो व्हाट और हुम रखेंगे, ठीक है। तो पहले हम हुम को रखते हैं, राजू रॉट हुम। राजू किसे लिखता है, ये तो लिविंग थिंग्स के लिए आता है, जबकि आगे तो नॉन लिविंग थिंग है, तो क्या रखेंगे, व्हाट को रखेंगे। राजू रॉट व्हाट, राजू क्या लिखता है, तो आंसर क्या आ रहा है, ए लेटर, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन हो गया, लेटर हो गया, और ये आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल याद रखना इस ऑब्जेक्ट के लिए आता है, ये आर्टिकल किसके लिए आया है, लेटर के लिए है, ठीक है, यानी नाउन के लिए आने वाला आर्टिकल है। अब बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट को पहचानते हैं। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम किसे रखेंगे, हु को। हु रोट ए लेटर, लेटर कौन लिख रहा है, राजू लिख रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया, राजू हो गया। अब हमारा जो ये बचता है बीच में, ये वर्ब है, क्यों, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमने पहचान लिया है, ये सब्जेक्ट इस वर्ब का है और ये ऑब्जेक्ट भी इस वर्ब का है। इस तरीके से हमने क्या देखा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संगीता बॉट ए कार, वही फॉर्मूला लगाते हैं, संगीता बॉट व्हाट, व्हाट को लगाते हैं, संग क्यों, नॉन लिविंग है, संगीता बॉट व्हाट, क्या आंसर आ रहा है, संगीता बॉट ए कार, तो आंसर को हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट और ये आर्टिकल, क्यों, क्योंकि ये इसके लिए आया है। आगे इसकी बात करते हैं, हु को रख के, हु बॉट ए कार, कार किसने खरीदी, हु यानी संगीता, तो सब्जेक्ट संगीता हो गया और बीच में आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, संगीता जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो नॉमिनेटिव केस भी कहलाता है, दूसरा कार आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो इसे एक्यूसेटिव केस भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सोनू हर्ट हिज नी यस्टरडे, ठीक है, कि सोनू ने अपनी अपना जो कोहनी है उसको हर्ट कर लिया। अब देखते हैं, हु को यहाँ पे रखते हैं, हु हर्ट हिज नी, हु का आंसर क्या आ रहा है, सोनू आ रहा है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। इसके बाद आने वाला ये मेन वर्ब हिज नी। अब देखो यहां पर सोनू हर्ट्स व्हाट, सोनू ने क्या हर्ट कर लिया, अपनी नी को, तो ये नी क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और ये हिज जो है ना, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो इसको और भी आसानी से पढ़ेंगे। एडजेक्टिव किसके लिए आया है, इस ऑब्जेक्ट के लिए, किसका, किसकी नी है, ये उसकी नी है, यानी सोनू की है, तो ये हिज जो है ये पजेसिव यानी अधिकार दिखाने वाला क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। फिर यस्टरडे, यस्टरडे जो है ये एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है, जब एडवर्ब पढ़ेंगे तो बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ नाउन एज ए सब्जेक्ट और एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। सो हमारा सब्जेक्ट सोनू है, मेन वर्ब हर्ट है और ऑब्जेक्ट नी है, और ये किसका है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस हर्ट का, ठीक है। ये सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में है और ये एक्यूसेटिव केस में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर चलते नेक्स्ट, द लिटिल पपी फॉलोड हरी, ठीक है, द हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल नाउन प्रोनाउन के लिए आते हैं, प्रोनाउन के लिए आते हैं, तो इसके बाद में नाउन आ रहा है, नाउन कौन है, पपी है, ठीक है। और ये लिटिल क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव इसके लिए आते हैं, नाउन के लिए, इस पपी के लिए आया है। अब हम अपना नाउन ढूंढते हैं, ठीक है, हु फॉलोड हरी, हरी को कौन फॉलोड कर रहा है, आंसर आ रहा है। देखिए जब किसी नाउन और प्रोनाउन में हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना, तो ऐसा होता है कि सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम रखते हैं हु, ठीक है, तो यहाँ पे हु रख दिया हमने कि हरी को कौन फॉलोड कर रहा था, तो क्या आ गया आंसर, पपी आ गया, और यहाँ पे इसका ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक बात और बता दूं आपको कि यहाँ पे सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए वोट भी लगाया जाता है, ठीक है, जब कोई नॉन लिविंग थिंग हो तो वोट लगा देते हैं, और लिविंग के लिए हाँ,
ठीक है ओके। फिर हमारा वर्ब फॉलोड आ गया जो कि मेन वर्ब है, और हरी क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। कैसे पहचाना हमने, द लिटिल पपी फॉलोड होम, होम को रखते हैं यहाँ पे, द लिटिल पपी फॉलोड होम, हरी अगर इसका आंसर आ गया। सब्जेक्ट जो है आपका नॉमिनेटिव केस में है, और ऑब्जेक्ट आपका एक्सेप्टिव केस में है। फिर बात करते हैं राम इज डांसिंग, सॉरी डूइंग सीताज वर्क, ठीक है। तो राम इज डूइंग सीताज वर्क लगाते हैं, सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, हु इज डूइंग सीताज वर्क, आंसर आ रहा राम, तो सब्जेक्ट राम आ गया। ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, राम इज डूइंग हुज वर्क, देखो यहाँ पे ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, ये कैसे है, देखो ये वैसे तो नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये देखो ये जो ऐसे करके हमने सीता के बाद में ये लगाया ना, इसको हम इंग्लिश में अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी। और ये अपोस्ट्रोफी जो है ना अधिकार दिखाने के लिए काम में आता है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं माय क्लास, अब इस क्लास पे अधिकार किसने दिखाया, माय ने, वैसे ही माय फादर।